Everyone. रतन लगा ना भाई सही अगर हम लोग बोल भाई सही यहां पे काफी खास मौका है आज हां जी आज के क्या कहना चाहते हैं कितनी एक्साइटेड हम सब के लिए आई थिंक मुंबई वासियों के लिए और हम सब के लिए एक बहुत खास तौर पे फनकारों के लिए कलाकारों के लिए एक बहुत ही अहम दिन है बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे मुंबई शहर में एक ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया है जहाँ मुंबई मुक्ति कल्चरल हब की स्थापना हुई है। एज एन एक्टर जब भी मैं स्टेज पे जाता था तो बड़ी कमी महसूस होती थी कि बहुत सारे कम ऑडिटोरियम मिलते थे परफॉर्म करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए जैसे डांस है पेंटिंग है एग्जीबिशंस हैं लोग करना चाहते हैं एग्जिबिट करना चाहते हैं लेकिन ऑडिटोरियम की सख्त कमी थी और एक आध ऑडिटोरियम को छोड़ के ऐसा कोई स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम नहीं था जहाँ परफॉर्म करके आपको जब हम बाहर जाते हैं देश के तो देखते हैं कि बड़े खूबसूरत ऑडिटोरियम्स रहते हैं हम वापस आके सोचते हैं काश हमारे शहर में भी हमारे देश में भी ऐसा ऑडिटोरियम होता चूँकि मुंबई अपने आप में एक कल्चरल हब है उस हब के अंदर एक और हब कल्चरल हब तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए ढेरों बधाई के पात्र हैं श्रीमती स्मिता ठाकरे जी जिन्होंने इतने खूबसूरत एक हब की एक कल्पना की है जहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट तरह तरह के अलग अलग फील्ड से मुख्तलिफ फील्ड से यहाँ आ सकेंगे और अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकेंगे। जी आर्टिस्ट को या टैलेंट को इस तरह की कैपेबिलिटी जी जी देर आए दुरुस्त आए वो कहते हैं इट्स नेवर टू लेट। बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि ऐसा कुछ हो और बल्कि ऐसा एक नहीं कई ऐसे हब्स की हमें ज़रूरत है ये सबर्ब्स में है कुछ टाउन में कुछ मिड टाउन में ये बहुत ज़रूरत है तो लेकिन वही मैंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए नहीं आने से तो बेहतर है कि हम आए भले ही देर से आए और ये एक कदम है आई थिंक इसको देख के और भी बहुत सारे लोग इस प्रवाह से इस प्रयास से जुड़ेंगे और इससे कलाकारों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला। थैंक यू थैंक यू। Who is taking the bites? Who's asking questions? I'd like to wish Smita ji all the very best for the launch of her cultural hub. She's a very dear friend and I've seen the amount of effort she's put behind this and I really want to wish her all the very best. Ji. 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 जी उससे उनको इनकरेजमेंट मिलेगी और हम उसमें और इनकरेजमेंट मिलेगी थिएटर आर्टिस्ट को और हम देखेंगे कि और प्लेज नवे प्लेज आएंगे नवी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो बहुत अच्छा है और बहुत नेसेसरी है आज के टाइम में। स्मिता जी और मैं बहुत सालों से दोस्त हैं और वो बहुत ही डिफरेंट काइंड की लेडी हैं वो कुछ ठान लेती हैं तो वो कर दिखाती हैं और वो बहुत मेहनत करती हैं हर चीज़ के पीछे परफेक्शनिस्ट हैं और बहुत ही साफ दिल की और अच्छी औरत हैं तो बहुत अच्छी है और गहरी हमारी फ्रेंडशिप है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टू सपोर्ट हर। तक यहाँ बम्बई में ऐसा कुछ है तो ये कल्चरल इवेंट जो है और ये जो इनॉग्रेट किया जा रहा है ये जो हब बनाया जा रहा है ये अपने आप में एक यूनिक इनिशिएटिव है और यहाँ जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होने वाले हैं बहुत कुछ इसको आगे लेके जाएगा। थिएटर एक्टर्स के लिए कितना बहुत ही बढ़िया थिएटर एक्टर्स के लिए यहाँ वर्कशॉप्स कर सकते हैं यहाँ कॉन्फ्रेंसेस हो सकते हैं यहाँ मीटिंग्स होते हैं बहुत कुछ किया जा सकता है ऐसे हब्स की तो ज़रूरत है काफ़ी कि जितना यहाँ हो उतना ही अच्छा है। जी हिचकी तो अभी 1.5 साल या 1 साल हो गया मुझे उसके बाद तो सीक्रेट गेम्स किया है और वेब सीरीज़ मेरे काफ़ी अभी 4-5 और वेब सीरीज़ आ रहे हैं मेरे अभी 2 फीचर्स आ रहे हैं अभी तो कुछ 6-7 प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं मेरे अमेज़ॉन में है वायाकॉम का है ऐसा है सब तो ये सब रिलीज़ होने वाले हैं अगस्त में। Yep, okay.
थैंक यू। आई एम एक्साइटेड। आज इनॉग्रेशन ऑफ मुक्ति कल्चर हब है एंड इट्स अ डांस फाउंडेशन, सो एक्साइटेड बिकॉज स्मिता जी इज हेडिंग दिस होल थिंग एंड टू सी हाउ इट टेक्स शेप। अंधेरी नीडेड दिस प्लेस। सो अभी मुझे टोटली मालूम नहीं है क्या क्या डिटेल्स है यहाँ, सो विच आई विल गेट टू नो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हाँ लेकिन बट मैं एक्टर नहीं हूँ ना, तो आई थिंक एनी इंस्टीट्यूट लाइक दिस जहाँ पे ये ट्रेनिंग पॉसिबिलिटीज़ है इज़ ऑलवेज स्पेस अ ब्लेसिंग फॉर न्यू कमर्स, कि एक स्पेस है जहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिले। बिकॉज वैसे तो बहुत सारा इंस्टीट्यूट्स है हर जगह है, लेकिन जो सही तरह सही ट्रेनिंग मिले सही गाइडेंस मिले वैसे बहुत सारा जगह नहीं है। बट दिस इज़ अ इनिशिएटिव विद स्मिता जी एंड अनुपम खेर, सो आई एम श्योर इट विल हैव मच मोर ऑफ लेजिटिमेसी। स्मिता जी इनकी फैमिली तो मेरी फैमिली जैसी ही है, बहुत सालों से हम और बच्चों को बड़े होते देखा लिटरली हम लोगों ने, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस जगह पे इतना अच्छा मैं भी देख रहा है। इनफैक्ट मैं आज पहली बार इस बिल्डिंग में आया हूँ, हालांकि इतने टाइम से थे यहाँ पे, बट ये ऑडिटोरियम बना है यहाँ पे बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी हाई टेक किस्म का है, और इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी जो कल्चरल समारोह होंगे, चाहे वो प्लेज हों चाहे वो शोज़ हों चाहे वो फंक्शंस हों या कोई मीटिंग्स हों, उस वजह से इस एरिया में इतना अच्छा हॉल था नहीं तो अब बनाए थे। अच्छा क्या है कि अगर प्लेटफॉर्म नहीं होता कहीं पर में तो फिर आदमी कहाँ, जब कल्चरल कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं तो प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें अगर अच्छी कोई जगह हो अच्छा ऑडिटोरियम हो तो नेचुरली और अच्छा होता है ना। सुन सर, साथ ही साथ आज बहुत अच्छा क्लाइमेट भी चल रहा है और इलेक्शन के माहौल में, कुछ कहना चाहेंगे कि क्या कुछ किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल, पॉलिटिक्स वाले जाने, हम म्यूजिक के लिए यहाँ पर आए। बस कमाल की बात है यार, एक थिएटर रंगमंच वाला आदमी हूँ मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पृथ्वी थिएटर के बाद एक कोई थिएटर चाहिए था, और वो ये थिएटर बन रहा, बहुत अच्छा खूबसूरत थिएटर है, और मैंने देखा है उसका स्टेज और सिटिंग अरेंजमेंट। नाटक जिसका समा बनना चाहिए, जिसके लिए एक थिएटर अच्छा होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से सब कुछ सारी सुविधाएं इसमें हैं, शायद हम कह सकते हैं कि ए प्लस 5 star 7 star, आई होप नाउ ऑडियंस वी गेट इट। देखो उसको तो वक्त लगता है, पर इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि रंगकर्मी यहाँ आकर परफॉर्म करना चाहेगा और ऑडियंस बहुत खुश होगी, यहाँ बहुत अच्छे नाटक, मुझे लगता है जैसे कि एक इम्पैक्ट होता है, जैसे पृथ्वी का अपना एक डिज़ाइन का मज़ा है कि वहाँ आप बैठते हो तो ऐसा इनफॉर्मल फील आता है, तो इसका अपना फील होगा, वील हैव टू सी दैट वॉट हैपन्स, बट डेफिनेटली आई वुड से दैट दिस विल डेफिनेटली अट्रैक्ट me as well the audience.
इतने उच्च श्रेणी के कलाकार हैं, अभी हम लोग फिर आपको एक बार महेश भट्ट जी के साथ काम करते हुए देखेंगे। थोड़ा कुछ कह के जाए, आज अवसर है सड़क में, आप आलिया और आप अगर बताएं। देखिए, मैं इसमें भूमिका निभा रहा हूँ वो है गॉडमैन की, और भट्ट साहब के साथ जब भी मैंने काम किया है, मुझे तो मुकेश भट्ट हमेशा कहते थे लकी मैस्कट है तुम हमारा, फिर पता नहीं बीच में क्या हो गया, पर भट्ट साहब ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जिनसे आप रूबरू हो जाते हो और आपके ज़िंदगी से भटते नहीं है। जैसे हम थिएटर में हमेशा कहते हैं कि लोग कैरेक्टर एग्जिट करते हैं फिर से एंटर करने के लिए, वैसे मुझे लगता है भट्ट साहब एक ऐसे शख्स है जो आपके जीवन से बाहर नहीं जा सकते, और वो किरदार बिल्कुल ही, ज़्यादा कहना नहीं चाहिए, पर एक एक्साइटिंग सा किरदार है जो एक एक्टर को हमेशा एक एक सर्च होता है, वो मेरे ख्याल से है। आलिया के बारे में कुछ कहेंगे? आजकल के समकालीन बहुत ही अच्छा अभिनय करते हैं, और मैं ऐसा बोलने वाला मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई अधिकार है किसी एक्टर के बारे में बोलने का, पर इतना ज़रूर कहूँगा शी हैज़ इनक्रेडिबल कैपेसिटी टू होल्ड द स्क्रीन whether with a close up or with a long shot, whether dance, whether she doesn't dance, whether she's quiet or whether she speaks, I think she's an excellent actress and evolving. Thank you so much, and all the best. Have a आजकल थिएटर्स की बहुत कमी है, और ख़ासकर हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि थिएटर्स नहीं हैं, तो ये एक नई चीज़ खुली है, देखो कैसे चलती है। बट थैंक यू वेरी मच जिसने भी किया है। वही तो मैं कह रही हूँ कि बहुत कमी है इसकी, और बहुत अच्छी बात है कि नई नई चीज़ें खुल रही हैं, और स्वीता ने ये सोचा है और हम लोग को दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। Excitement, there's a lot of happiness and contentment for the Mukti Club. I think Bombay, jam, aisa lagta hai ki ek chota sa matchbox banta ja raha hai. Uspe jab aisi facilities, aisi jagah aati hai, to ek breathing milti hai. So my heartfelt wishes to Smita ji, and for a great effort in putting this together.
किस तरह से हेल्प करेगा ये बोलना इज नॉट स्टेट मैथमेटिक्स. एक एनवायरनमेंट बनाना होता है, एक अपॉर्चुनिटी देनी होती है, प्लेटफॉर्म देना होता है, तो वो अगर नए टैलेंट को मिलता है तो उनके लिए बहुत अच्छा. And my best wishes, and especially Smita Jin Sati, कारण I feel you know bringing everything under one roof, and in place like Mumbai, which is utmost important, getting like music, dance, cultural, everything under one roof. I think it's going to do very well. And her a beautiful side of Smita Ji, who has always been into social activities like the AID Foundation, and now this. All my best wishes to Mukti and Smita Ji. एक्टर्स ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, मुझे लगता है ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, अंडर वन रूफ है. और स्मिता जी का जो कनेक्शन है डायरेक्टली मीडिया के साथ एंड ऑल, सो ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग जगहों में जाके अलग अलग यू नो एक्टिविटीज़ करने हैं, तो सब कुछ अंडर वन रूफ है. मुझे लगता है कि सभी एक्टर्स के लिए एक बहुत बेनिफिशरी प्लेटफॉर्म है ये. थैंक यू. स्मिता जी सर, सर एक पिक्चर कर देना यार, ग्रुप पिक्चर कर. आप क्या मेंटेन कर, कभी बैटरी चेंज कर. सभी को मेरा नमस्कार कहना चाहूँगी, क्योंकि आज मेरे लिए जो इतना महत्वपूर्ण दिन है, और मुक्ति फाउंडेशन जो मैंने बहुत सालों पहले शुरू की थी, फिर मुक्ति फाउंडेशन के तहत मैंने मुक्ति कल्चरल हब की स्थापना की है, और इस एरिया में मिस अंधेरी साइड में ये साइड में कहीं भी ऐसा हब नहीं है या इस टाइप की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, ऐसे कई कलाकारों ने हमको कहा. तो मेरा और मेरे बेटों का पैशन है आर्ट के प्रति, और हमने इस पे पूरी मेहनत डाल के मुक्ति कल्चरल हब को हमने यहाँ क्रिएट किया है, जिसमें ऑडिटोरियम तो है ही जो 350 सीट की है, जिसमें आप आर्ट दिखा सकते हो, प्ले थिएटर दिखा सकते हो या कॉन्फ्रेंस के लिए हो सकता है. हमने यहाँ दो डांस स्टूडियोज़ में, एक तो डांस स्टूडियो है जो हाउस ऑफ डांस मैंने शुरुआत की है, जो एक साल हो गया जिसको हमने शुरुआत की है, और एक हॉल है जिसमें प्रैक्टिस के लिए या डांस की परफॉर्मेंस के लिए कई सारी फिल्मी पर्सनैलिटीज़ या
लोग यहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं, और एक आर्ट गैलरी हमने शुरू की। तो कोशिश यही रही है कि हम आर्ट को बढ़ावा दें और लोगों को यहाँ आकर्षित करें कि आप एक ही रूफ़ के अंडर हम आपको वो सब देना चाहते हैं जो एक आर्ट को जो प्यार करता है, एक जो कलाकार होता है उसको यहाँ आके खुशी होगी। तो बस यही उद्देश्य से हमने ये प्रेमाइसिस को बड़ा किया है, और मैं यही कोशिश करूँगी कि जो भी यहाँ आए और उनको खुशी मिले, और बस आप सभी का प्यार और प्रार्थना करती हूँ, मेरे माता पिता का आशीर्वाद भी हमारे साथ रहे, और मैं ऐसे ही काम करती रहूँगी। मुक्ति फाउंडेशन का काम तो चल ही रहा है, पर ये जो आर्ट के प्रति हमने शुरुआत की है उसको भी हमें उतनी ही कामयाबी मिले, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। अमिताभ सर जब इनोग्रेट किए हैं उसके बाद पेंटिंग देखे वाला सर, कुछ बातें हो रही थी आप दोनों के बीच में, क्या कुछ थोड़ा सा नहीं? अमित जी हमारे लिए, मेरे लिए बहुत ही एक अहम इंसान है, जो हमारे मेरे हर काम में उन्होंने मुझे साथ दिया है। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा, क्योंकि हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, और सिर्फ जब भी कहीं मिलते हैं तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि अरे आपने ये भी किया, आपने ये भी कर रही हो। तो मेरे ख्याल से उनका जो एक सेंटेंस होता है वो मेरे लिए एक उत्स्फूर्त का स्थान होता है, और मैं उनको बहुत ही उनके सपोर्ट को मैं चाहती हूँ हमेशा, और वो मिलता आ रहा है। साहब के तो नज़दीक थे ही वो, और उन्होंने हमेशा यही कायम रखा है कि जो भी हमारे परिवार के साथ हम करना चाहते हैं तो उन्होंने हमारा साथ दिया है। वो उनको ये पेंटिंग्स तो बहुत पसंद आई, क्योंकि ये बहुत रेयर पेंटिंग्स जो हमने किसी को कह के एक बनवाई है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि साहब हम उनकी कृपा दृष्टि यहाँ मेरे प्रमाइसिस में रहे, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, और अमित जी के हाथों इसका उद्घाटन हो यही मेरी आशा थी और मेरी पूरी हो गई। आपके बेटे के अभी मेरे दोनों बेटों ने कला का रास्ता ही चुना है, और मैं खुद तो कला की प्रेमी हूँ। तो बड़े बेटे ने, राहुल ठाकरे ने डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग चुना है, और छोटे ने अपना पैशन एक्टिंग के प्रति। तो एक्चुअली उसने अपने मेहनत से जो भी वो सीखा है उसको मैं हमेशा सपोर्ट देते हूँ। जो भी उसको करना चाहता है या जो भी मेरे दोनों बेटे करना चाहते हैं, उनको हमेशा मैंने कहा है कि आप अपने दिल की सुनो, ज़रूरी नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, और बस अपने पैशन से करते रहो, कामयाबी तो अपने आप मिलेगी। अगर आप प्यार से काम करोगे, उस कला को उतने ही प्यार से सराहोगे, तो मेरे ख्याल से मैं यही कोशिश करती हूँ उनको सीख देने की, और ऊपर वाला चाहे तो उनको भी बहुत कामयाब, एक पहले तो कामयाब इंसान बनाए और कामयाब नेता और डायरेक्टर बनाए। मुक्ति फाउंडेशन तो एक सामाजिक कार्य करती हूँ, और राहुल प्रोडक्शन के अंदर मैं फिल्में बनाती हूँ और टीवी के वेब सीरीज़ बनाती हूँ और टीवी शोज़ बनाती हूँ। बट छोटे का कहना ये है कि शायद उसकी कला देख के कोई और उसको प्रमोट करे, या कोई और उनके गाइडेंस के अंडर अगर वो अपना पहला पदार्पण करे तो वो ज़्यादा उसकी इच्छा वो है। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे। थैंक यू सो मच।